ओह यार इतनी ऑसम है यार। WWE में सब मोमेंट्स स्क्रिप्टेड होती है और ये बात लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन स्क्रिप्टेड होके भी कुछ कुछ मोमेंट बहुत ही इमोशनल होती है और जो देख के दिल बहुत ही भावुक हो जाती है। और इसीलिए गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे WWE के चार ऐसे मोमेंट्स जो कि बहुत ही भावुक या फिर इमोशनल थी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर में WWE के पेपर व्यू हेल इन अ सेल में हुआ था एक मैच रोमन रिंग्स वर्सेस जे यूसो के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और ये थी एक आई क्विट मैच। और इस मैच रोमन रिंग्स जे यूसो को बहुत मारा, लेकिन एक मोमेंट में रोमन रिंग्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और इनके बीचों बीच रो दिया और मोमेंट देख के सबको रोना आ गया। और एट द एंड इस मैच रोमन रिंग्स अपना टाइटल डिफेंड किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैच को जीतने के बाद जब रोमन रिंग्स बैकस्टेज से जा रहे थे तब स्टेज के सामने थे रोमन रिंग्स का फादर सीका और उनका ग्रैंडफादर, और ये दोनों भी फॉर्मर WWE सुपरस्टार थे। और इसके बाद रोमन का जीत की खुशी में रोमन का फादर और ग्रैंडफादर रोमन को एक फूल का माला पहनाया और इसी तरह से रोमन बन गए द ट्राइबल चीफ। 2016 में एक रेसलिंग शो में फॉर्मर WWE सुपरस्टार अल्बर्टो डेल रियो एक मैच के बाद रिंग में खड़े थे और इसी बीच रिंग में आए पेज और पेज सबके सामने अल्बर्टो को प्रपोज कर दिया और अल्बर्टो डेल रियो यकीन नहीं कर पाए और एट द एंड पेज की प्रपोजल एक्सेप्ट किया और किस भी किया और मोमेंट बहुत ही भावुक था। 2017 के WWE के पेपर व्यू पेबैक में हुआ था एक मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रिंग्स के बीच, और ये मैच रोमन के करियर का बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मैच था। हालांकि इस मैच में रोमन रिंग्स ब्रॉन को एक स्पीयर मारा था, लेकिन इसके बाद ब्रॉन्स ने रोमन को दो जबरदस्त पावर स्लैम मारा था और रोमन को इस मैच में बीट किया। लेकिन फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन बैकस्टेज नहीं गए, इसके बाद तक स्टील स्टेप लेके रिंग में आ गए, फैल स्टील स्टेप के ऊपर रोमन को पटक दिया और इसके बाद रोमन रिंग्स के ऊपर स्टील स्टेप से अटैक किया और रोमन रिंग्स रिंग के बीचों बीच रो दिए और रोमन को बहुत लगा। गाइस 2016 में WWE की एक पेपर व्यू में निकी बेला वर्सेस पेज के बीच एक मैच हुआ, लेकिन इस मैच में निकी बेला पेज को हरा दिया और वो भी चीटिंग करके, क्योंकि निकी बेला पेज को ठीक तरीके से रोल अप नहीं किया था और इसलिए पेज बहुत अपसेट हो गए और बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गए और इनके बीचों बीच रो दिए और ये पल बहुत ही इमोशनल थी और सच में पेज कूट कूट के रोने लगे।